कि आप जिस जो प्याज धूम मचा देते हैं, दिल्ली के तख्त को हिलाने लगते हैं, वो प्याज अहमदाबाद में 30-35 रुपए किलो बिकता था तो दिल्ली के मंडी में 90 रुपए बिकता था, तो मुझे संसद में कहना पड़ा कि चलो अहमदाबाद से 30-35 रुपए किलो प्याज दिला देता हूँ। तो बड़ा सफाई दे रहा था गाजीपुर का सांसद की पता नहीं क्या, क्योंकि थोड़ा पैसे नहीं क्या पता कि तू प्याज ना जाने ला दूसर जाने ला, ठीक ना? वो समय जो ना घरी कहानी तो 35 रुपए किलो रहो कि ना प्याज रहे ना हो कम रहे 10 रुपया रहो, 90 रुपया बिकात रहा दीदी में, रोज पार्लियामेंट में प्याज उठावा सो सवाल। ये है मोहम्मदने वाले लोगों के पेट में दर्द हो गया है, इसलिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं किसान। वहां किसान का नहीं आंदोलन हो रहा है, वहां बंगाल के चुनाव का रिहर्सल हो रहा है। बंगाल कलकत्ता में खजाना बा, तो खजाना कुछ आवे के चाहिए ना, तो लगा था कि खजाना हमारे हाथ से निकल जाए तो उसके दिल्ली में लड़ता। आप बताइए, कहते हैं लोग खेती का मालिकाना हक खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट खेती से। आज से हम लोग कहें कॉन्ट्रैक्ट खेती बिना लक्ष्य लेकर पड़ी का होता है, आज से होता है। जिसके पास ज्यादा जमीन होती है वो या तो बटाई दे देता है, नहीं तो लगान को दे देता है। दे देता है कि नहीं देता? देता है ना। भूमिहीन जो होता है वो जमीन को लगान पर ले लेता है, बटाई वाला कम जिसकी जमीन होती है वो बटाई पर ले लेता है। हिंदुस्तान की 60% खेती का उत्पादन बटाईदार और लगान पर मालगुजारी पर बोने वाले किसान करते हैं। 60% पैदावार करते हैं बटाईदार किसान करते हैं, भूमिहीन किसान करते हैं। अगर उन्हीं के शंका मन में पैदा हो गया, किसान जो भूमिधर किसान है उसके मन में ये शंका पैदा कर दिए सब ये हरामखोर, अगर बड़ा किसान अपनी जमीन बटाईदार को और भूमिहीन किसान को नहीं देगा तो आप बताइए, भरोसे हमारी सरकार कह रही है कि आपकी सब मांग मानने के लिए मैं तैयार हूँ। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आपके लिए कमेटी बना देता हूँ, आपकी सारी सुविधाओं को हम देने के लिए सरकार को कहने वाले हैं। आप बताइए कि आप भी पहली बार देख रहे होंगे, न व्यवस्थापिका पर भरोसा है, न न्यायपालिका पर भरोसा है, न कार्यपालिका पर भरोसा है, फिर इनका लोकतंत्र पर कहां भरोसा टिका है? और संसद में बनाया गया कानून कोई 20,000 लोगों को हम जुटा लें और जुटाकर कहें कानून जो बनाए हो उसको वापस लिए, तो फिर संसद बचेगी क्या? संसद में कोई कानून बनेगा क्या? और संसद में बनाया गया कानून, अगर हम कानून बनाए हैं कोई खून करने वाला पंजाब के जेल में होगा तो हम 20,000 लोगों को जुटाकर कहेंगे नहीं इसको जेल से बाहर करो, तो फिर तो कोई नहीं कानून बन सकता है, कोई संसद में नहीं बन सकता है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र पर ऐसा आंदोलन करने वाले लोगों ने संसदीय लोकतंत्र पर भी खतरा पैदा किया है, इस बात की चिंता और इस बात की चिंता आप ही को करने पड़ेंगे और इस बात का संवाद जरूरी सघन।